महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में महायुति एनडीए और महाविकास अघाड़ी एमवीए को कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर तरह तरह की भविष्यवाणियां की जा रही हैं। अब सट्टा बाजार ने भविष्यवाणी की है कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन महायुति को 28 सीटें मिल सकती, ऐसे में यह महायुति के लिए बड़ा झटका हो सकता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए ने 42 सीटें जीती थी। इस बार सट्टा बाजार की भविष्यवाणी के अनुसार एनडीए को 28 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए को 14 सीटों का नुकसान हो रहा है, वहीं एनडीए की सीटें घटने का सीधा फायदा महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए को होगा। पिछले चुनाव में महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 6 सीटें मिली थी। सट्टा बाजार की भविष्यवाणी के अनुसार महाविकास अघाड़ी 20 सीटें मिल सकती है। सट्टा बाजार का अनुमान है कि नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी लोकसभा चुनाव जीतेंगे। इसके मुताबिक चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा धानोरकर जीतेंगी। यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र में शिंदे गुट को नुकसान होगा। यहां से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के संजय देशमुख चुनाव जीतेंगे। बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही सांसद नवनीत राणा को झटका लग सकता है। सट्टा बाजार का अनुमान है कि सुप्रिया सुले बारामती लोकसभा क्षेत्र से दोबारा जीतकर सांसद बनेंगी। बीजेपी ने मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से पीयूष गोयल को उम्मीदवार बनाया है। अनुमान है कि वे जीतेंगे। अनुमान है कि कोल्हापुर लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार संजय मांडलिक हार जाएंगे और कांग्रेस उम्मीदवार शाहू छत्रपति जीत दर्ज कर सकते हैं।